हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 9th एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 128 सेंटीमीटर टू 0.21 मीटर। स्टूडेंट, जैसे कि कोई चीज़ अगर हम पानी में डाल देते हैं तो वो पानी के अंदर से उस जितना भी डिस्प्लेस करेगी पानी को, वो पानी उस चीज़ के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अब वो हम अगर हमने कोई बॉल डाली है तो वो बॉल उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगी उसके अंदर से जितना कि उसका वॉल्यूम है। तो यानी कि एक तरीके से हमें इसके अंदर वॉल्यूम ही निकालना है। क्वेश्चन में है, फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस, कि हमें निकालना है कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगी जब एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल के द्वारा जब हम उसमें उसको डुबो देंगे, उसको अंदर डाल देंगे पानी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा था रेडियस। तो यहाँ से हम डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे इनकी आधी करके। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में आया था, लेकिन यहाँ पर हमें पानी के बारे में बताना है तो हमें ये लीटर में निकालना पड़ेगा। लीटर के केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर के, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। इसका ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। पहले केस में हमारे पास ये डायमीटर है 28, तो रेडियस आ जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ये 28 सेंटीमीटर दे रखा है। इन स्फीयर स्फेरिकल बॉल रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय में 2, डायमीटर 28 है, 28 बाय में 2 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 4/3 πr³ इज इक्वल टू 4/3 π 22/7 r 14 14 अगेन 14, 3 बार 14 आएगा क्योंकि पावर 3 है। ओके, 7 1 जार 7 2 जार, 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, अगेन वही प्रॉब्लम। अब जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, 2 22 4 14 14 और एक ये नीचे 3, 4 2 जार 8 22 8 जार 176, 4 2 जार 8 8 2 जार 16 8 2 जार 16 176 आया इन तीनों से, 14 14 जार कितना होगा 196, इन दोनों को किया तो 196 आया। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 6 32 3 6 7 42 3 45 5 4 6 1 6 6 4 10 9 6 4 4 5 9 7 63 and 5 68 6 9 1 9 9 6 15, अगेन इसमें डाउट लग रहा है मुझे, देख लेते हैं, नहीं ठीक है। अब इसके बाद 6 7 1 6 5 4 9 8 6 14 1 2 5 7 7 14 1 3, अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, यहीं पे कर देते हैं या फिर लिख देते हैं पहले 3 4 4 9 6 upon 3 डिवाइड करेंगे, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है राइट। 3 1 जार 3 3 1 जार 3 1 3 4 जार 12 2 3 9 जार 27 2
थ्री एट जार 24, 24, 2, 3, 6 जार 18, 2, 3, 6 जार 18 अगेन 2 आता रहेगा ये, तो ये आया, ये हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब में। और इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीटर में बदलने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आया हमारा तीन डिजिट पहले डेसिमल और आ जाएगा 1, 2, 3 यहाँ पे 11.499, एक तरीके से 11.5 किलो लीटर ही आ गया लीटर, ये हमारा आंसर हुआ। चेक करते हैं, इलेवन फोर नाइन एट अगेन वहाँ पे, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है आंसर, नथिंग टू वरी, ये हमारा आंसर हुआ, दैट्स इट। ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये अभी जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखोगे, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉल इज इक्वल टू ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें मीटर में दे रखा है और ये वैल्यू बदल देते हैं 60, 28, एक ये और ये सारी कैलकुलेशन हमें बदलनी पड़ेगी, सॉरी मिटा देते हैं इसको, ये भी मिटा देते हैं, यहाँ डायमीटर हमारे पास है 0.21 मीटर, 0.21 मीटर, तो ये हुआ 21 बाय में 20। ओके 21 बाय में 20 मीटर और ये जो दे रखा था 0.21 मीटर, 4/3 πr³ तीन बार लिखेंगे। ओके अब 3 का मल्टीपल भी है हमारे पास अवेलेबल है, 7 × 1 = 7, 3 × 3 = 3, 1 × 2 = 10, 2 × 2 = 2, 10 × 2 = 2, 10 × 2 = 11। स्टूडेंट्स हम ध्यान रखेंगे कि हम नीचे 10 को नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर ना तो 2 का मल्टीपल है ना ही, अगर होता तो भी हम इसको नहीं डिवाइड करते, तो हमारे पास सिर्फ 10, 10, 10 है, इसको नहीं छेड़ेंगे जब तक कि 2 और 5 दोनों के मल्टीपल ना हो। ओके तो अब हमारे पास है अवेलेबल एक 11 है, इधर कुछ नहीं है, यहाँ भी यहाँ 3, 10 है, 21, 10, 21, 10 और कुछ भी ऐसी हमारी स्किप नहीं हुआ, कुछ नहीं छोड़ा हमने, तो 21 को 21 से करें तो हमारा आता है 441 है ना, और 441 को 11 से करेंगे, 11 × 1 = 44, 1 = 45, 5 = 44, 44 and 5 = 44 and 4 = 48 अगेन 4851 बाय में 1000 मीटर क्यूब आया है, राइट। अब मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1000 लीटर के बराबर होती है, मीटर क्यूब की वैल्यू 1000 4851 बाय 1000 मल्टीप्लाई 1000 लीटर, एक मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, 1000 से 1000 गया 4851 लीटर, ये हमारा आंसर हुआ 4851 लीटर, इतने लीटर पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो इसके लिए तो एक पूरा सा लग रहा है कि बहुत बड़ा स्पीयर होगा जो इतना पानी डिस्प्लेस करेगा। ओके स्टूडेंट्स तो हमने ये लीटर में आंसर निकाला है, पीछे जो आंसर है वो दे रखा है मीटर क्यूब में और इससे पहले वाला सेंटीमीटर क्यूब में, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने लीटर में निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा यही आंसर ठीक है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई लिक्विड है तो उसको लीटर में निकाल दिया, क्या दिक्कत है, नथिंग टू वरी, आर आंसर आर टोटली राइट। ओके स्टूडेंट्स दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन सेकंड, इन नेक्स्ट वीडियो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन।